स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आया हूं आपको लेके मुंबई का एक फेमस एरिया, फेमस जगह जिसको कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। मैं हूं इस वक्त गेट ऑफ इंडिया पे और यहां पे कुछ नए चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में, जो आज से पहले शायद हम लोगों ने नहीं देखा है। तो क्या चीज़ें हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पहले आप लाइक कर लीजिए, पहली बार चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत। दोस्तों मैं इस वक्त चल रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने, जो कि आप एक साइड में देख सकते हो मेरे सामने है ये गेटवे ऑफ इंडिया। और अगर देखते हैं हम दूसरे साइड में तो दूसरे साइड में आपको नज़र आएगा ये ताज होटल, यानी कि ये दोनों भी आमने सामने हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। ये है ताज होटल जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरी साइड में आपको दिखाई देगा ये है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से आप देखोगे तो पूरा आपको कवर होगा पिक्चर इसके अंदर में। ये गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि 24 घंटे तक ये हमेशा खुला रहता है। और अभी हम लोग यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया पे नई चीज़ें क्या है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने की भी बिल्कुल भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ ये कबूतर हैं जिसको लोग दाना डालते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये देख लीजिए ये सब कबूतर यहाँ पे हैं जिसको लोग यहाँ पे बाजरा और गेहूँ चना वगैरह यहाँ पे डालते हैं। और दूर तक अगर आप देखते हो तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपको दूर दूर तक आपको नज़र आएगा। और इसी के साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से ये सूरज जो चमक रहा है ये है ताज होटल। और यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का समुंदर के नज़ारे, यहाँ के बोर्ड के नज़ारे, यहाँ के स्पीड बोर्ड किस तरीके से चलते हैं। चलो हम लोग उस चीज़ को देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने देखा है एक समुंदर का व्यू जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया हूँ। और यहाँ से अब ये देखिए गेट ऑफ इंडिया जो आपको आंखों के बिल्कुल सामने है। हम लोग इसको देखते हुए हम लोग अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसके जो है टिकट्स कितने हैं। बोर्ड के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो बोर्ड के अंदर में इसके कितनी टिकट होती है एक चक्कर लगाने के लिए, और यहाँ से अलीबाग जाने के लिए कितना टिकट लगेगा, एलिफेंटा वगैरह अगर आप घूमने जाते हो तो एलिफेंटा घूमने जाने के लिए कितना टिकट लगेगा और उसके लिए समय क्या लगेगा वो चीज़ भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो है समय का भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे जाएंगे तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, जाके रिटर्न आना पड़ेगा। ऐसे देखिए काला कपड़ा बांध दिया गया है इसके चारों बाजू में, हो सकता है कुछ अंदर शूटिंग वगैरह का कुछ काम चल रहा होगा इसीलिए ये काला कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि लोग अंदर ना जाए और डिस्टर्ब ना हो सके। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं समुंदर के किनारे, जो कि ताज होटल के बिल्कुल सामने से हम लोग आ गए हैं ये समुंदर के किनारे। ये देखिए ये है सामने गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से नज़र आएगा ये देख लोगे तो ये है ताज होटल। ये बड़ा वाला ताज होटल जो नया बना है, नया मतलब ये इसको भी बन के कम से कम 40-41 साल हुआ होगा। लेकिन ये देखिए ये गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही पुरानी इमारत है और बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखिए खड़ी हुई इमारत है गेट ऑफ इंडिया। और यहाँ से जो हम लोग जाते हैं ये है समुंदर का एक नज़ारा, यहाँ से आपको नज़र आएगा, यहाँ से आपको मिलेगी टिकट। और टिकट लेने के बाद ये देखिए बोर्ड के अंदर में लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देख लीजिए यहाँ से आपको बोर्ड की लाइन लग गई है,
सॉरी, यहाँ से देखिए बोट का, बोट की टिकट्स आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ से टिकट लेना है और टिकट लेने के बाद इसका एक राउंड एक चक्कर यहाँ से आप लगा सकते हो। ये देख लीजिए, यहाँ से जाते ये बोट खड़ा है, ये जाएगा बिल्कुल गेट ऑफ इंडिया से एक चक्कर लेके जाएगी आपको घुमाने के लिए, और इसी बोट के अंदर में एक राउंड मार के आपको यहाँ से वापस लेके आते हैं। ये देखिए ये बोट धीरे धीरे, देखिए बोट फुल हो जाएगा तो ये बोट यहाँ से निकलेगी, और इसका चार्जेस है 100 रुपीज़, जो कि एक राउंड मार के आपको अंदर से समुद्र में से आपको घुमा के वापस लेके आती है। क्योंकि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लोग भी आए हैं पिकनिक के लिए, मेरे ख्याल से पिकनिक के लिए बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं, किसी स्कूल के बच्चे लोग होंगे और पिकनिक के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और देख सकते हो यहाँ पे सब दूरबीन वगैरह से भी आप दूर की चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे दूरबीन है, आप उसको ले के दूर की चीज़ें आप देख सकते हैं। हम लोग ने देखा गेट ऑफ इंडिया के बिल्कुल फ्रंट साइड में, यानी कि सामने के साइड में, और हम लोग देखा गेट ऑफ इंडिया के बैक साइड में। दोनों साइड मैंने आपको दिखा, गेट ऑफ इंडिया के बैक साइड में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे सारी बोट वगैरह एक लाइन से आपको खड़ी हुई नज़र आएगी, और फ्रंट साइड में अगर देखते हैं तो ताज होटल है, और बड़ी वाली ताज होटल वहाँ पर आपको सामने मिलेगा जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। लेकिन हम लोग आ चुके हैं, ये गेट ऑफ इंडिया है, और इसके बैक साइड में जहाँ से समुंदर में जाने के लिए बोट वगैरह यहीं से मिलती है, समुंदर में जाने के लिए नाव बोट जो चक्कर लगाते हैं एल्फ इंडिया के लिए जाते हैं वो यहीं से मिलती है। और अगर आपको अलीबाग जाना है तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक स्टॉप है, यानी कि बोट का एक स्टॉप है, वहाँ से आपको अलीबाग के लिए, महुआ के लिए उस जगह पर आपको मिल जाएगी बोट। और यहाँ से हम लोग जो जाते हैं तो यहाँ से एक चक्कर लगा के हम लोग वापस आ जाते हैं। तो ये देख लीजिए, स्कूल के बच्चे सब आए हैं पिकनिक के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं वगैरह यहाँ पे चलते रहती है। एक चक्कर उस साइड से हम लोग गए थे हमारे लेफ्ट साइड से, और अभी हम लोग यहाँ से आ गए हैं राइट साइड से बाहर की तरफ में। सामने अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको जाएगी अलीबाग की जो बोट है, वो वहाँ से मांडवा अलीबाग वहाँ से जाती है, और हम लोग यहाँ से अब वापस आ गए हैं। यह अगर आप देख सकते हो तो फिर से हम लोग आ गए हैं ये ताज होटल के बिल्कुल सामने। तो दोस्तों अभी हम लोग ने एक दौरा किया, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अलीबाग जाना है या आपको एल्फेंटा जाना है, मांडवा जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि एल्फेंटा के लिए 160 रुपया 160 टिकट है, हर आधे घंटे में आपको एल्फेंटा के लिए यहाँ से बोट मिल जाएगी। और बेहतर है कि आप दोपहर से पहले जाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको घूम सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको इंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर दोपहर के बाद जाओगे तो जल्दी जल्दी आपको घूम के वापस आना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप अलीबाग जाना चाहते हैं तो अलीबाग जाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय रोड जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके खर्च होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से हर 2 घंटे में आपको अलीबाग के लिए बोट यहाँ से मिल जाती है। तो अलीबाग के लिए बोट यहाँ पे हर 2 घंटे में आपको मिलती है, लेकिन उसका चार्जेस जो है नॉर्मल अगर आप जाते हो तो उसका होता है 160, जो कि 160 रुपये में आप अलीबाग बड़े आराम से पहुँच सकते हो। और अगर आप एसी में जाते हो तो एसी के अंदर में उसका होता है 250, अगर आप एसी में जाते हो तो 250 होता है, और नॉर्मल में जाते हो तो 160 रुपया, यानी कि 160 होता है। तो कभी भी अगर आपको अलीबाग घूमना है, एल्फेंटा घूमना है, तो आप यहाँ पे प्लान करके यहाँ पे आ सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाना, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों जो कि मैंने आपको दिखाया ताज, और दूसरे साइड में मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे गेट ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, सी यू अगेन, अपना ख्याल रखिए।